ये है आपका अपना चैनल जहाँ पे आप देखते हो ब्लड रेडी विथ मी अनबॉक्सिंग मेकअप ट्यूटोरियल स्किन केयर DIY एंड लॉट्स ऑफ चीजें। आज इस ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ विंटर एडिक्शन क्लोथ्स। देखो इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको दिखाई थी कि मैं वीडियो गई थी जहाँ पे विंटर कलेक्शन आ चुके हैं और आज इस वीडियो में उसी कलेक्शन से जो मैंने खरीदी थी मतलब मैंने और मौसी ने जो हम लोगों ने खरीदे थे उसका हम हॉल करने वाले और आपके साथ भी शेयर करूँगी कि हम लोगों ने क्या क्या खरीदा है। हम लोग एक्चुअल में गई थी देखने के लिए कि वहाँ पर विंटर्स में क्या आया है, बट हम लोग इसी विंटर्स की नहीं खरीदे, हम लोग ने कुछ और भी वहाँ से लेके आए। क्या चीज़ें लाए हैं, कितनी की प्राइस है, क्या क्वालिटी है, साइज़ शेयर करूंगी इस ब्लॉग में। और इससे पहले भी विजिट फर्स्ट टाइम मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ऐसे और ब्लॉग चाहिए होंगे लाइक मी कमेंट बॉक्स, मैं डेफिनेटली और अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूंगी। सो लेट्स दिस इज माय झोला जो मैं इस वीडियो से उठा के डायरेक्ट घर पे लाई हूँ और इसी झोले से हम स्टार्ट करेंगे हमारा हॉल के मैंने क्या क्या इसमें से परचेज की हूँ। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें शेयर करूंगी, जैसे कि मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स के यूट्यूब की चैनल देखी थी जिसमें बताया गया था कि जूडियो गरीबों का सरोजनी नगर है, वहाँ पे आपको 1000 रुपीज़ के अराउंड में सारी चीज़ें मिलती हैं, अच्छी क्वालिटी है, सस्ते। हाँ ये बात सच है कि आपको 1000 रुपीज़ तक की सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन क्वालिटी वाइज उनकी प्राइस है। अगर आपकी जो बजट है आपका 500 रुपीज़ का है, आपको 800 रुपये की चीज़ पसंद आ रही है, तो आपको कम पैसे में नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैंने जितना वहाँ देखी हूँ मैंने अब कुर्तीस को भी 600 रुपये के नीचे नहीं देखी। हाँ क्रॉप टॉप जो 300 रुपये से है, लेकिन अगर आप मीशो से लेते हैं तो वहाँ पे अच्छी है, बट एज पर क्वालिटी वो लोगों ने 700-800 रुपये तक की चीज़ें रखी। अगर 200 रुपये की बात करूँ तो 200 रुपये में मैंने सिर्फ वहाँ पे मैंस टी शर्ट देखी थी जो डेली यूज़ के लिए होते हैं, फीमेल्स में मैंने कुर्तीस में कोई भी 600 रुपये के नीचे नहीं देखी हो, तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना चीप और सस्ता है। ये नॉर्मल प्राइस के हिसाब से अगर मेरी सोच को रखते हैं साइड में, और आप लोग मुझे बताना कि मैं सही बोल रही हूँ या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा हॉल सबसे पहले मौसी की चीज़ों से, बिकॉज मौसी ने सबसे ज़्यादा चीज़ें ली है, तो मेंस फर्स्ट। तो अकड़ पकड़ करो नहीं करो छोड़ो, जो मिला हाथ में वो दिखा देती हूँ। तो दिस इज द फर्स्ट शर्ट, दिस इज अ डेनिम ब्लैक शर्ट विंटर एडिक्शन। दिस इज अ ब्लैक शर्ट, ये एक्चुअल में मेरी चॉइस थी और ये काफ़ी दिखने में ब्यूटीफुल है, इसका कपड़ा भी काफ़ी अच्छा है और ये एक्चुअल में सर्दियों में आपको एकदम वार्म से फीलिंग देगा बिकॉज इट्स अ डेनिम। इसका कलर भी एकदम जैक ब्लैक है, इसमें आपको साइज अवेलेबल मिल जाएंगे, इसमें आपको कलर्स अवेलेबल मिल जाएंगे, बिकॉज हम लोग ने सेम इसमें एक दूसरा कलर पिक किया, मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था और पसंद के ऊपर ना सुपर सेक्सी लग रहा था यार, बहुत अच्छा लग रहा था, तो हम लोग ने ये ले लिया। अगर इसकी प्राइसिंग की बात करूँ ना तो ये प्राइसिंग थी 800 रुपये की, मैं बता रही हूँ आपको 700-800 रुपये के नीचे कोई अच्छी चीज़ देखने के लिए नहीं मिलेगी। अगर आप 500 रुपये के बजट से जा रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको वहाँ पे कोई चीज़ ऐसे अच्छी लगेगी। तो मुझे बताए आपको ये शर्ट कैसा लगा, मैं मौसिन का वो क्लिप भी बता दूँगी जहाँ पे मौसिन ट्राई कर रहे थे। तो दिस इज़ द फर्स्ट शर्ट जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, दिस इज़ द डेनिम ब्लैक चेक शर्ट। ओके इसको रखते हैं साइड में और आते हैं हमारे दूसरे प्रोडक्ट पे, जिसे मैंने कहा कि सेम कलर मतलब सेम इसमें दूसरा कलर लिए थे वो है ये प्रॉपर जो डेनिम की जीन्स होती है ना, ये वैसे कलर में है, सेम इसका ही है। इसमें भी आपको और कलर्स प्लस आपको साइज अवेलेबल मिल जाएंगी, काफ़ी ज़्यादा वार्म है और विंटर्स के लिए सुपर अच्छा है। इसकी फुल स्लीव्स है, स्लीव्स से इस तरह से बटन बने हुए हैं जो आपको डेनिम का लुक काफ़ी अच्छे से देते हैं, और ये कुछ इस तरह से यहाँ पे उसके बटन से जो आपको वियर करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे और खूबसूरत लगेंगे कुछ इस तरह से। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो सेम ये भी 799 का है ये, बिकॉज ये सेम इसमें हम लोगों ने दो शेड उठाए थे, एक ब्लैक और एक ही डेनिम शेड का, तो मुझे ये दोनों बहुत अच्छे। अगर आप ये शर्ट जो है ना अगर आप चाहो तो आप डेली वेयर के लिए या पार्टी वेयर के लिए या फिर कहीं आप घूमने जा रहे हो स्पेशली विंटर्स में, तो ये आप इसको कैरी कर सकते हो, ये बहुत अच्छे लगते हैं, इसमें कलर अवेलेबल हो जाएंगे, आप पहन के ट्राई करके ज़रूर देखना। ओके नेक्स्ट प्रोडक्ट था हमारा शूज़ का। वाव यार ये 1000 रुपीज़ के शूज़ थे
जो हम लोगों ने मोहसिन के लिए लिए इसमें कलर नहीं था, मतलब सेम पैटर्न में आपको कलर नहीं मिलेंगे, आपको एक ही पैटर्न में एक ही कलर मिलेगा, और अगर आप दूसरा कलर देखोगे तो आपको दूसरा पैटर्न में लेना होगा। तो ये काफ़ी अच्छे लगे, 1000 रुपीज़ के शूज़ है, कौन बोलेगा 1000 रुपीज़ के। और इसकी ग्रिप काफ़ी अच्छी है, यू कैन सी इसकी ग्रिप भी काफ़ी अच्छी दी हुई है। और इसमें जो ये लेसेस है ना, ये थोड़े स्टाइलिश है, जैसे कि आगे की तरफ एक दिया हुआ है जिससे कि नॉर्मल होता है, एक ये दूसरी लेस लोगों ने दी है जो ये पीछे आके इस तरह से नॉक्ट होती है, जो दिखने में सुपर क्यूट लग रही है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मौसम ने भी कहा था मैं इसमें का छोटा ले लूँ, बट मेरे पास ऑलरेडी 3 दिन शूज़ रखे हुए, तो मैंने कहा कि नहीं इस टाइम पर स्किप करते, नेक्स्ट टाइम देखेंगे इंशाल्लाह। तो ये काफ़ी अच्छा लगा था, बट एक चीज़ वहाँ पे मुझे अच्छी नहीं लगी कि जो आता है वो ट्राई कर लेता है, मतलब वहाँ पे ट्राई करने के लिए कुछ ऐसा रखा हुआ नहीं है। अगर आपको जाना है तो आप उसमें से उतारो, ट्राई करो, नहीं पसंद आया तो वापस रख दो। उससे होता ये है कि जो इसकी बैक साइड है ना वो गंदी हो जाती है, तो अगर आप नए शूज़ ले रहे हो और गंदी इसके फूट आपको दिखेंगे तो आप लेना नहीं चाहोगे, प्लस उसमें साइज़ आपको खुद को ढूंढ ढूंढ के लेनी पड़ती है। तो ये थोड़ा सा मेरे को लगता है कि ये हाइजीन टाइप नहीं होता है कि कोई भी आ रहा है पहन रहा है और रख के चला जा रहा है घूम कर फोटो निकाल कर, तो ये थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लग रहा था। बाकी 1000 रुपीज़ में आई थिंक दिस शूज़ आर बेस्ट, तो मुझे बताना कि आप लोगों को इस शूज़ के बारे में क्या कहना है, मुझे तो काफ़ी अच्छे लगे थे। और एक्चुअल में इसका कलर जो था ना वो एकदम रॉयल सा लुक दे रहा है, तो मुझे एक्चुअल में इससे कलर की वजह से मैं ज़्यादा अट्रैक्ट हो गई थी इसके ऊपर, कि ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और 1000 रुपीज़ में इतने अच्छे शूज़ मिलते भी है क्या, तो दिस इज अब मैं कहती हूँ कि भाई स्टूडियो में ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। अब ये लास्ट चीज़ बची जो मेरी है, तो मैं बता दूँ मैं गई थी बहुत कम बजट के साथ, लेकिन मुझे लगा कि वहाँ पे मेरे बजट से ज़्यादा चीज़ें महंगी है। मैंने आपको दिखाई थी 3 स्वेटर मैंने वहाँ ट्राई करी थी, उसमें से एक जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था बट वो मुझे ऐसा लगा बहुत ज़्यादा कॉस्टली है तो मैं उसको नहीं ले रही थी, बट मुझे बहुत दिन बोले नहीं ले ले मैं ला रहा हूँ ना, बाद में मैं सोची कि यार एक दो चीज़ें और ली थी बस शिट बिल हो गया था तब तक हमारा। और जो मैंने ली थी बोली थी ये सुपर क्यूट एकदम वॉर्म जैसा ये स्वेटर है, आई लव इट, इसको देखते ही ना मेरी आंखों में चमक आ गई थी, इतना प्यारा लग रहा था। मैंने इसको पहन के भी देखी थी, ट्राई करी थी, जिससे ऐसे फुल स्लीव्स है और ये थोड़ा लूज है, तो अगर जिनको कमर वगैरह में फैट ज़्यादा हो लाइक मी तो उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है, बिकॉज ये कमर में थोड़ा लूज है उनकी वजह से ना आपका कमर का फैट बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, एकदम आप स्लिम एंड ट्रिम लगोगे जैसे कि आप मैं वीडियो में लग रही थी। लुक एट द कलर, एकदम वॉर्म है और बहुत सेक्सी लगता है यार। मैंने इसको पहन के देखी थी, अगर मुझे डिनर वगैरह पे जाना हो विंटर्स में तो ऑब्वियसली मैं इसको पहनूंगी और इसको पहन के जाऊंगी। और अगर प्राइसिंग की बात करूँ 800 रुपये का है ये भी, जबकि मुझे सिर्फ 500 रुपये के अराउंड में लेना चाहिए था, बट मुझे 500 रुपये के अराउंड में ऐसे देख कर एक होता है ना कि नहीं ये है अच्छा है ये चाहिए करके, तो वहाँ मुझे सिर्फ ये लगा था और ये भी 800 रुपये का निकला गया, बहुत महंगा मिला लेकिन बहुत अच्छा था, तो चलो कोई नहीं ले ली, बात के बाद में देखा जाएगा। आपको कैसा लगा लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, और जो मैंने 3 ट्राई करी थी वो भी आपको बता दूंगी, इनमें से आपको कौन सा अच्छा लग रहा है मुझे वो ज़रूर बताना, मुझे ही पता चले मेरे सब्सक्राइबर की चॉइस क्या है और मुझे उनमें कौन सी चीज़ें अच्छी लगती है। दिस इज द सुपर क्यूट स्वेटर, ये था मेरा जूडियो हॉल कलेक्शन, कैसा लगा लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, और नेक्स्ट वाला कौन सा आपको कलेक्शन का प्लग चाहिए मुझे ज़रूर बताना, मैं जितना हो सके उतना करने की कोशिश करूँगी। सो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, मुझे दुआ में याद रखें और अपना ख्याल रखें। हेलो फ्रेंड्स।